कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आपके पास में, अगर आपके फ़ोन के अंदर कुछ ऐसी बड़ी बड़ी इमेजेस है, बड़ी इमेजेस का मतलब है दोस्तों हाई क्वालिटी इमेजेस हैं, जैसे HD इमेजेस है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके मोबाइल के अंदर 3 3 MB, 4 4 MB, 5 5 MB की इमेजेस है, लेकिन उससे क्या होता है दोस्तों, आपका जो मोबाइल का जो साइज़ वगैरह, जो स्टोरेज वगैरह है, काफ़ी ज़्यादा फुल हो जाता है। अगर मान लीजिए, अगर आपको कोई गवर्नमेंट के फॉर्म्स वगैरह भरने हैं या कुछ ऑनलाइन कुछ इमेजेस वगैरह यूज़ करनी होती है, तो उसके अंदर क्या होता है दोस्तों, उसके अंदर आपको छोटी क्वालिटी की इमेजेस चाहिए होती है। तो अगर आप गैलरी की इमेजेस कोई क्लिक करेंगे, कैमरा की इमेजेस से अगर आप क्लिक करेंगे इमेजेस वगैरह, तो आप उसके अंदर नोटिस करेंगे कि आपकी जो इमेजेस क्वालिटी आती है काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी आती है। 3 3 MB, 4 4 MB, 5 5 MB की इमेजेस आती हैं। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको 3 ऐसी वेबसाइट बताने वाला हूँ, जिन वेबसाइट से दोस्तों आप जो है अपनी हाई क्वालिटी इमेजेस को जो है कंप्रेस कर सकते हो, लेकिन उनकी जो इमेज की क्वालिटी है वो सेम रहेगी। दोस्तों दैट मीन्स आप जो है अपनी इमेजेस को आराम से ऑनलाइन कंप्रेस कर सकते हो। कंप्रेस करने के बाद जो आपकी इमेज की जो क्वालिटी है वो दोस्तों वो सेम रहेगी। तो दोस्तों ये 3 वेबसाइट कौन सी है जिससे आप जो है अपनी क्वालिटी कंप्रेस कर सकते हो इमेजेस की, और इमेज की जो जो साइज़ है उसको रिड्यूस कर सकते हो लेकिन इमेज की क्वालिटी सेम रहेगी। तो चलिए दोस्तों, ये 3 वेबसाइट के बारे में आपको बता दूँगी कि किस तरह से आप अपनी इमेजेस को ऑनलाइन कंप्रेस कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आपको बताता हूँ कि 3 वो वाली वेबसाइट कौन कौन सी वेबसाइट है जिनसे आप जो है अपनी इमेज को जो है कंप्रेस कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे जो है सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों मैं अपनी गैलरी की कुछ फोटोज़ वगैरह ओपन करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो है कुछ फोटोज़ है दोस्तों। इन फोटोज़ में जो है दोस्तों, यहाँ पे मैं इन फोटोज़ का आपको साइज़ दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे 3 डॉट्स पर क्लिक करके, 2 डॉट्स पर क्लिक करके अगर डिटेल्स वाले ऑप्शन में आता हूँ, तो यहाँ पे दोस्तों आप साइज़ देख सकते हो इन इमेजेस का कितना साइज़ है। 3 3 MB की या 4 4 MB का साइज़ है, यानी कि 3.9 MB का साइज़ है। डायमेंशन काफ़ी बढ़िया है। अगर दोस्तों, अगर आपको कुछ गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर अप्लाई कर रहे हो या कोई जो ऑनलाइन फॉर्म में आप अप्लाई करो जहाँ पे जो है आपका इमेज का साइज़ कम चाहिए, तो दोस्तों ये 3 वेबसाइट जो है आप इजीली जो है यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले नंबर की वेबसाइट आती है दोस्तों compress.jpg। आपको गूगल पे आना है, गूगल पे टाइप करना है compress.jpg। compress.jpg टाइप करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो है वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे अपलोड फाइल्स वाला एक जो बटन है दोस्तों, इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे जो है ब्राउज वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। ब्राउज वाले बटन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो है आपको इमेज सेलेक्ट कर देनी है। इमेज सेलेक्ट करोगे दोस्तों, यहाँ पे जो है इमेज अपलोड होनी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। इमेज अपलोड होने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो है 3.9 MB की इमेज है, जैसे कि आप देख सकते हो। पूरी की पूरी इमेज कंप्रेस होने के बाद यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे जो है आपको कंप्रेस वर्जन उसका मिल जाएगा। अब यहाँ पे डाउनलोड वाले बटन पे जब आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पे जो है डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करने के बाद आपको क्लिक कर देना है, उसके बाद जो है आपकी इमेज डाउनलोड हो जाएगी। इसको जो है दोस्तों, आपको जो है इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों आप जो है ये इमेज जो है आपकी गैलरी के अंदर सेव हो जाएगी, और गैलरी के अंदर सेव होने के बाद दोस्तों आप जो इस नई वाली इमेज का जो है साइज़ देख सकते हो कि कितना साइज़ आएगा। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, ये वाली जो इमेज है ये जो है दोस्तों कंप्रेस होने के बाद अब यहाँ पे देखो 1 MB का जो है साइज़ हो गया, यानी कि 4 MB वाली इमेज जो है 1 MB के अंदर जो है कन्वर्ट हो गई है। इसी तरह से दोस्तों आप बाकी की वेबसाइट भी यूज़ कर सकते हो। सेकंड नंबर पे जो वेबसाइट आती है दोस्तों अपनी, वो है tinypng। तो tinypng वाली वेबसाइट को आप यूज़ कर सकते हो। tinypng गूगल पे आपको सर्च करना है। tinypng गूगल पे सर्च करने के बाद दोस्तों यहाँ पे tinypng वाली वेबसाइट आ जाती है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है आपको अपलोड वाले बटन में क्लिक करना है, उसको अलाउ कर देना है। उसको अलाउ करने के बाद यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे आपको अपनी फाइल जो है चूज़ कर लेनी है। जो भी फाइल आप चूज़ करेंगे वो फाइल जो है यहाँ पे आप चूज़ कर लीजिए। उसके बाद जो है इसका कंप्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इसका सबसे मेन बेनिफिट ये है कि आपको जो है इमेज की क्वालिटी जो है सेम मिलेगी, बट आपका जो इमेज का जो साइज है वो कंप्रेस हो जाएगा, लेकिन आपको जो क्वालिटी है वो काफी अच्छी क्वालिटी मिल जाती है इस वाली वेबसाइट से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो tinypng वाली वेबसाइट से, ये अपनी सेकंड नंबर वाली वेबसाइट है, इस वाली वेबसाइट से भी जो है आप इजीली जो है इमेज कंप्रेस कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे जो है इमेज कंप्रेस हो चुकी है और 83% का जो है कंप्रेशन हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड वाले बटन पे जब आप क्लिक करोगे तो इमेज जो है आपकी डाउनलोड हो जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों तीसरे नंबर वाली वेबसाइट की अगर मैं बात करूँ, तो तीसरे नंबर वाली वेबसाइट आती है दोस्तों आपकी इमेज कंप्रेस ऑनलाइन की। तो इमेज कंप्रेस ऑनलाइन वाले पे अगर आप सर्च करोगे, तो यहाँ पे जो है आप एक वेबसाइट आ जाती है आपकी imageoptimizer.net, और यहाँ पे इस वाली वेबसाइट से भी जो है आप अपने इजीली जो है इमेज कंप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे चूज़ फाइल वाले बटन पे क्लिक करना है, फाइल चूज़ करनी है, उसके बाद वो फाइल ले लेनी है, इमेज फाइल ले लेनी है। उसके बाद जो है इसको ऑप्टिमाइज नाउ वाले बटन पे क्लिक करके जो है आप इमेज क्वालिटी कंप्रेस कर सकते हो। तो इस तरह से दोस्तों आप ये 3 वेबसाइट यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ऑनलाइन जो है रिक्वायरमेंट है, डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, गवर्नमेंट फॉर्म्स के लिए या प्राइवेट फॉर्म्स के लिए रिक्वायरमेंट है, अगर आपको छोटी कम साइज़ की इमेज चाहिए लेकिन इमेज का रेशियो अच्छा चाहिए, तो आप ये 3 वेबसाइट अच्छे से यूज़ कर सकते हो। इन 3 वेबसाइट का लिंक मैं दोस्तों नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और ये 3 वेबसाइट आप जरूर से चेकआउट कर सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए यहाँ तक है, तो आप वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं आपसे अगले में, तब तक के लिए बोलते रहे हर मध्य शंभू जी भोलेनाथ।